हल्द्वानी नगर निगम ने शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में टीम मंगलवार को बनभूलपुरा इलाके में पहुंची और यहां पर सर्वे शुरू किया गया। अभियान के अंतर्गत यदि किसी का मकान या संपत्ति नियमों के खिलाफ बन रही है अथवा नजूल की भूमि पर बन रही है तो उस पर बुलडोजर चलाए जाने का प्लान है। साथ ही निर्माण यदि पूरा हो चुका है तो पहले मालिक को नोटिस दिया जाएगा। कार्यवाही के दौरान बनभूलपुरा में एक अवैध निर्माण पकड़ा गया। दरअसल निगम की चेकिंग के दौरान मकान की जांच की गई तो पता चला कि निर्माण नजूल भूमि पर अवैध रूप से हुआ है। मौके पर मकान का मालिक भी नहीं मिला। इसके बाद मकान को सील कर दिया गया है। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि कुल 6 मकान सील किए गए हैं और एक मकान की शटरिंग गिराई गई है। साथ ही दूसरे तीसरे मंजिल पर निर्माण कर रहे मजदूरों को भगाया गया है। उन्होंने कहा कि नजूल भूमि पर निर्माणाधीन मकानों को बुलडोजर से गिराया जाएगा और बन चुके मकानों के लिए नोटिस जारी होंगे। नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सील किए हैं, क्या कुछ कार्रवाई आगे होगी? 30 जनवरी को जो कार्रवाई की गई थी वही कार्रवाई लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। आज सभी तक 6 निर्माण सील कर दिए गए हैं, एक का शटरिंग तोड़ दिया गया है। बाकी जो दूसरे तीसरे मंजिल में निर्माण हो रहे हैं तो उन्हें मजदूरों को भगाया गया है और उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है, उनको भी नोटिस दिया जाएगा। बाकी क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है कि पहले फ्री होल्ड कराएं, मानचित्र स्वीकृत करें, उसके बाद निर्माण कार्य करें, अन्यथा आपको इस कार्रवाई इस प्रकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मेरी अभी भी अपील है कि जो लोग काम कर रहे हैं अपने कामों को बंद कर दें और अपनी वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दें, फ्री होल्ड कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर दें, मानचित्र स्वीकृत कराने की कार्रवाई प्रारंभ करें। देखिए जो निर्माण हो चुके हैं उसमें भी उनको सुनवाई का अवसर देते हुए ध्वस्तीकरण कार्रवाई कर दी है। वो उनको चूंकि निर्माण चल रहा था और उन्होंने खुद ही लिख करके दिया था कि 2-3 दिन में तोड़ने के लिए, उन्होंने लिख के दिया हुआ, उनको उतना समय दिया गया। ठीक है।